रामगढ़ ताल के समीप नवनिर्मित महायोगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह एवं सांस्कृतिक केंद्र का मंगलवार को मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने जिलाधिकारी के विजयन पांडियन सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने प्रेक्षागृह निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, जिसके संबंध में मंडलायुक्त ने बताया कि 20 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महायोगी गंभीर नाथ प्रेक्षागृह व सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण कर सकते हैं, जिसके मद्देनजर प्रेक्षागृह के कार्यों का जायजा लिया गया है और संबंधित अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाकर 20 मार्च तक प्रेक्षागृह को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने कहा, ये सब बंद हो जाएंगे। इससे क्या बात है? फोन किया था कहते वो क्या बात हुई थी? किसी मुझे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट पे कर रही है। ये देखिए, जो बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह है, इसका लोकार्पण अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है और उसी के क्रम में हम लोग प्रयासरत हैं कि UPRNN और संस्कृति विभाग मिलके सारे कार्य समय रहते पूर्ण करा दें, जिससे किसका इसको गोरखपुर के जनमानस को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किया जा सके और जो हमारे रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, हमारे स्थानीय, उनको एक अच्छा मंच मिल सके।